छा जा, कोई मसला, मुकाबला करेंगे, हम खड़े रहेंगे। ये बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे बैक करने वाले लोग। सनम जावेद के साथ मसला यही है, ये कैसे परेशान नहीं होती। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, और आज हम लेके आए सनम जावेद के टिकटॉक कंपाइलेशन का रिएक्शन। सो सनम जावेद जो है वो भी एक पीटीआई मेंबर है और वो अभी रिसेंटली रिलीज कर दी गई है जेल से, तो उनका जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो हम उनके बारे में देखते हैं कि वो क्या है। और हम लोगों को सबको ही पता है कि बेसिकली जो सनम जावेद है उनका यूट्यूब पे चैनल है, और वो उनका मैंने एक वीडियो देखी थी जहां पर शायद मरियम नवाज की एक्टिंग कर रही थी, और वो मतलब की जो ऑपोजिशन उनके खिलाफ बोलती थी इस वजह से उनको जेल में डाला गया कि वो बहुत गलत बोलती है इसी वजह से। बाकी देखते हैं कि ये वाली टिकटॉक कंपाइलेशन में क्या होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। आज मुझे लगा कि मैंने बेटी तो पैदा ही नहीं की भाई, मैंने तो चंगेज खान पैदा किया। चंगेज खान, वाह यार। क्या बात है, जेल से बाहर आते ही उनका वैल्यू कितना बढ़ गया। ये तो सेलिब्रिटी वाली फील ले रही है, देखा लोग। हाँ, एक खुशी अलग। इनका शायद बच्चा भी, हाँ इनका बच्चा है छोटा सा। ओह, कितना मुश्किल रहा होगा। मरियम नवाज साहिबा, जिस औरत से आप सबसे ज्यादा डरती है, जिस लड़की से आपको खौफ आता है और बहुत ज्यादा खौफ आता है, सनम जावेद, जिसको आप निशाने इबरत बनाना चाहती हैं, तैयारी पकड़िए, वो सुबाई असेंबली में आपको चैलेंज करने के लिए आ गई। 14 महीनों से सनम जावेद जेल में, आज रिहाई के बाद उसकी दोबारा अरेस्ट हुआ है, उसकी भी मुजम्मत करते हैं। ओ तेरी। अच्छा, रिहाई के बाद वापस अरेस्ट हो गई, इसे थोड़ा पहले का है। सनम क्या कहेंगी जो देखने वाले तो के बगान दे दें आप। क्या बात, अब तो रिहा हो गई है ना। हाँ, मोस्टली लग तो यही रहा, रिहा हो चुकी है। अगर ये हुआ होगा कि वापस से अरेस्ट हुई थी तो फिर तो कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है इनकी। सोचो इनकी इतनी पॉपुलैरिटी इमरान खान की कितनी होगी। सनम जावेद का कोई मसला नहीं है इस निजाम के साथ, सनम जावेद का कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसका मसला मुस्कुराहट। ये सनम जावेद की स्माइल है, ये निजाम को चिढ़ाती है, निजाम को पागल कर देती है। निजाम अपने बाल नोचता है स्माइल को देखकर, इस मुस्कुराहट को देखकर। ये होते हैं वालदैन जो बेटियों को या फिर बेटों को किसी भी मुआशरे के अंदर एक इंकलाब लाने के लिए तैयार कर। ऐसी फैमिली होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए। ये गैरतमंद, दिलेर, बादशाह और एक पढ़ा लिखा बाप है। उसकी बेटी 14 माह से नाक रगड़ रही है, लेकिन ये बाप है जो कि खड़ा है आज भी अपनी बेटी को गले लगाकर। वो कह रहा कोई मसला नहीं, वेल डन, छा जा, कोई मसला, मुकाबला करेंगे, हम खड़े रहेंगे। ये बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे बैक करने वाले लोग। सनम जावेद के साथ मसला यही है, ये कैसे परेशान नहीं होती, ये कैसे पागल नहीं हो रही, ये कैसे डिप्रेस नहीं हो रही, ये कैसे नहीं गिड़गिड़ा रही, इसके आंसू क्यों नहीं बह रही, इसकी चीखें क्यों नहीं निकल रही। सनम जावेद इन्हें चिढ़ाती है, सनम जावेद इनके लिए बवाले जान और अजाब बनी हुई है, सनम जावेद का अच्छा दिखना इनके लिए अजाब बना हुआ है, और वह जब भी बाहर आती है ऐसे विक्ट्री का निशान बनाकर मुस्कुराती है। इस मुस्कुराहट से मसला, इस मुस्कुराहट का डर है। ये इनको शायद फिर से बंद कर ही दिया था, अब ये बाहर आई है वापस। पर हर बार एक्चुअली वो स्माइल ही कर रही होती है पीटीआई। कितनी स्ट्रॉन्ग है ये लेडी, सही में। चंगेज खान आया, चंगेज खान जिंदाबाद। चंगेज खान आया, पहले लाखू था क्योंकि आधी पुलिस थी, आज से वो चंगेज खान होगी क्योंकि आज तो पुलिस है। इंसान तो वैसे मुझे भी नजर आ रहा है, पुलिस वालों वैसे मैं इंसान नहीं समझती, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात। कैसा महसूस कर रही है, आपकी बेटी को बड़ी सिक्योरिटी मिलाया जा रहा है, ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर उनकी ऐसी सिक्योरिटी होती है। देखें, कोई पैसा खर्च करके इज्जत लेता है, कोई हाँ किसी नहीं नहीं कोई धांधली करके इलेक्शन नकली इसमें जीत के आता है 47 के नाम से, जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखें, ये खुद बाखुद 5'4" की बच्ची की इतनी सिक्योरिटी इतनी कभी देखी किसी चंगेज खान के साथ भी नहीं होता। 5'4" की मेरी बच्ची ने इतनी थरथली मचा दी,
तो आज मुझे लगा कि मैंने बेटी तो पैदा ही नहीं की भाई, मैंने तो चंगेज खान पैदा किया। दिल जिगर नजर क्या है, हम तो खान तेरे लिए जहाँ भी दे दें, जिगर मेरा दल ही दिया हुआ 14 माह से, तो अब खान कहेगा तो जहाँ भी दे दें। मैं आज हाथ उठा के सनम जावेद को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। ये एक लड़की नहीं है, ये एक जोरदार तमाचा है उन तमाम वर्दी वालों के मुंह के ऊपर जो इस मुल्क में कानून की आइन की सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं। उन तमाम वर्दी वालों के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा है जो थोड़ी सी तनहा के लिए अपना जमीर बेच देते हैं, जो अपनी आने वाली नस्लों का घाटे का सौदा कर रहे हैं। उन सबके मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। कल सनम जावेद को अदालत ने रिहा किया था, रिहाई के बावजूद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया था, बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा सनम जावेद को रिहा कर दिया। ये जीत सनम जावेद की जीत नहीं है, ये जीत तमाम पाकिस्तानियों की जीत है। ये हर उस बंदे की जीत है जो इस मुल्क में इन जालिमों के खिलाफ खड़ा है, जो इस मुल्क में आईन की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो पिछले कई सालों से इन जालिमों का जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहा है। ये हर उस पाकिस्तानी की जीत है। पर इनकी स्माइल एक्चुअली इंटिमिडेटिंग है यार, कि इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी ये स्माइल करते हुए बाहर आती है। वाओ, बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और बोलना पड़ेगा जो ये लेडी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यार। इतने बार जेल जाने के बाद जब भी ये बाहर निकली है, हमेशा इसका जो साइन होता है विक्ट्री साइन होता है, पीस साइन होता है बेसिकली। और दूसरा चीज ये है कि हमेशा इनके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल होती है। और मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी, इसके पेरेंट्स भी इनको, इनके पेरेंट्स भी इनको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी मम्मी देख लो कि वो ऐसे है कि भाई मैंने कोई लड़की पैदा नहीं करी, चंगेज खान पैदा करा है। तो उनको वो भी मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और तभी वो उनकी बेटी भी इतनी स्ट्रांग बनी है। तो सीरियसली बहुत ही कमाल की वीडियो। और देखा जाए तो उनकी मदर भी इतनी प्राउड और उनकी फैमिली वाले इतने प्राउड। और जैसे वो रिपोर्टर बता रहे थे कि भाई इनकी जो पूरी फैमिली है वो इनको इतना बैक करती है। नॉर्मली होता है पॉलिटिक्स में, अगर कोई लड़कियां खासकर जाती है तो उनको तो बहुत ही ज्यादा पीछे खींचा जाता है कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, बहुत ऑफकोर्स कीचड़ है, तुम्हारे को परेशान किया जाएगा। और इनको खेरा भी जा रहा है, 14 महीने तक जेल में रखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी डटी रही और इनकी फैमिली भी इनके साथ डटी रही, जो मेरे ख्याल से इनकी जो स्माइल है उसका बहुत बड़ा जो रोल है वो इनकी फैमिली वालों को भी जाता है। और साथ में जो सपोर्टर्स हैं उनका तो क्या ही बात करें, जब भी जेल से बाहर आती है एक हुजूम आ जाता है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।